वेरियस. अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंटली जो आपसे वाइवा क्वेश्चन होता है, दैट इज इफ अ गर्ल इज 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, और आपने उसकी ऑटोप्सी करनी है, ठीक है, ऑल द हिस्ट्री, ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू सजेस्ट दैट इट इज अ केस ऑफ मैकेनिकल एस्फिक्सिया. योर एग्जामिनर आस्क्स यू कि ओके, वुड यू कमेंट ऑन द फ्रैक्चर ऑफ हार्ट बाय जस्ट डूइंग रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन. अभी आपने प्रॉपर उसको खोला नहीं है, ओपन नहीं किया. आपके पास रेडियोग्राफ आया है जो आपको पहले करना चाहिए नॉर्मल केसेस के अंदर, एंड इन दैट रेडियोग्राफ दे आस्क यू इन वाइवा कि 30-25 ईयर्स की लड़की की यहाँ पे भाई हमें लग रहा है रेडियोग्राफ में कि फ्रैक्चर हुआ है, बिकॉज हमें कन्फर्म है कि दैट इज़ अ केस ऑफ थ्रॉटलिंग, ठीक है, बिकॉज थ्रॉटलिंग में सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर्स होते हैं हार्ड बोन. वुड यू कमेंट ऑन दैट एक्सरे और वुड यू से कि इट इज़ अ फ्रैक्चर और नॉट? आपको नजर आ रहा है फ्रैक्चर वहां पर, ठीक है, एक्सरे के अंदर आप कहोगे कि ये फ्रैक्चर है या आप कुछ और जानना चाहोगे? जी, आप कहोगे कि फ्रैक्चर है, ठीक है. उसने कहा कि इनवेजिव साइंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हम क्यों करें, और किसी और को थोड़ा इख्तलाफ हो. वुड यू गो फॉर अनदर टेस्ट? वुड यू गो टू वॉन्ट टू ओपन एंड डू द ऑटोप्सी टू इंश्योर दैट, या फिर आप उसी पर कर लोगे? आपको ऑटोप्सी करनी है. क्यों? अगर एक 45 इयर्स की फीमेल है, मेल है 50 इयर्स का, इन दैट केस आप वहाँ पे भी अपना कमेंट कर सकते हो, ऑल्दो ऑटोप्सी पे आपने उसको कंफर्म करना है. दैट्स बिकॉज इन 40 इयर्स ऑफ एज हमारी जो हार्ट होती है ना, वो यूनाइट होती है. उससे पहले हार्ट जो है वो प्रॉपर यूनाइट नहीं होती, तो ऑन एक्सरे आपको गैप नज़र आ रहा होता है. तो जब आप ऑटोप्सी करते हो तो आपको ब्लड भी ऑन दैट प्लेस नज़र आएगा, आपको प्रॉपर फ्रैक्चर नज़र आएगा, और वहाँ पे आप उस पर प्रॉपरली कमेंट कर सकते हो. सो एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ लेस देन 40 इयर्स में ऑन जस्ट रेडियोग्राफ अ फ्रैक्चर ऑफ हार्ट इज टोल्ड, तो आप उसको विदाउट ऑटोप्सी कंफर्म नहीं करोगे. बट इफ़ द एज इज मोर देन दैट, तो क्योंकि वो यूनाइट हो गया है और फिर वो डिस्पर्स हुआ है, तो आपको समझ आ जाएगी कि ओके, दिस इज़ अ फ्रैक्चर, दिस इज़ नॉट अनयूनाइटेड बोन, ठीक है. तो इसमें फ्रैक्चर ऑफ हार्ट बोन अकर्स बाय टू मैकेनिज्म. वन इज दैट कि डायरेक्ट फ्रंटल गया है, ठीक है, फ्रंटल प्रेशर आया, कंप्रेशन आई है, ठीक है, जैसे इन केस ऑफ मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन है कि डायरेक्टली हुआ है. अब आपको क्या लगता है कि जो हमारे ग्रेट कॉर्नोज हैं या हमारे जो इसके वो अंदर की साइड पे एडक्शन होगी या एबडक्शन होगी इफ द डायरेक्ट प्रेशर इज देयर? एडक्शन, ठीक है. तो याद रखना है कि इन केस ऑफ थ्रॉटलिंग और डायरेक्ट कराटे हिट और समथिंग लाइक दैट, कि जहाँ पे वहाँ पे हमेशा एडक्शन फ्रैक्चर आता है. एडक्शन फ्रैक्चर इज बिकॉज ऑफ के फ्रंट डायरेक्ट जो उसके ऊपर एक्ट हो रहा है, ठीक है. फ्रॉम इनडायरेक्ट वॉयलेंस पे अपवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट, ठीक है, ये आपकी लिगामेंट के थ्रू टियर हो रहा होता है. इन दैट केसेस स्पेसिफिकली अगर आपकी जुडिशियल हैंगिंग का केस है, ठीक है, नॉर्मल उसमें इतना ज़्यादा नहीं होता कि फ्रैक्चर हो, ज़्यादातर स्पेयर हो जाती है. स्ट्रैंगुलेशन में भी हार्ट इतनी ज़्यादा रप्चर नहीं होती है, ठीक है. सो इन दैट केसेस अगर वो इस लिगामेंट के थ्रू होगा, यहाँ पे अगर फ्रैक्चर होगा तो वो एडक्शन नहीं एबडक्शन फ्रैक्चर होगा, ठीक है. आउटवर्ड नहीं, मतलब आउटवर्ड मूव करेंगे, इनवर्ड मूव नहीं करेंगे, बिकॉज डायरेक्ट प्रेशर इज नॉट अप्लाइड और लिगामेंट के थ्रू जो है बोन पुलिंग हो रही है, जैसे कि हैंगिंग के केस के अंदर फ्रैक्चर इज सीन इन द, ये आप स्पेसिफिकली वो ये ग्रेटर कॉर्नो के एरिया में आपको फ्रैक्चर नजर आएगा. देयर इज लैटरल कंप्रेशन एंड फ्रैक्चर एंड्स डिस्प्लेस इनवर्ड, यानी कि हैंगिंग के अंदर आपको आउटवर्ड मिलेगा एबडक्शन फ्रैक्चर, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन और थ्रोटलिंग के अंदर डायरेक्ट है तो यू विल फाइंड इनवर्ड और एडक्शन फ्रैक्चर. दिस इज ऑल्सो एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन, छोटा ये बहुत आता है कि मैकेनिज्म बताएं फ्रैक्चर का क्या होता है हार्ट बोन का, एंड विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज सीन इन विच टाइप ऑफ मैकेनिकल एस्फिक्सिया एट द लेवल ऑफ नेक, ठीक है. इसमें वही जो हम बात कर रहे हैं कि हमने इतना ज़्यादा जल्दी नहीं कमेंट करना होता 40 इयर्स से बिफोर, क्योंकि उससे पहले यूनाइटेड नहीं होते. ये एग्जांपल्स हैं, थोड़ी सी फ्रैक्चर सेगमेंट आपको नज़र आ रहा होगा, डिस्प्लेस्ड इनवर्ड इन दैट केस.